तो ये चीज मुझे बड़ी बेकार लग रही है। एक तो इतना मतलब मुश्किल से खरीदो, फिर उसके बाद पहले दिन ही फट जाता है। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? एंड आज मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आया हूँ पोको के इन रिस्ट रैप्स का। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसका टेस्टिंग ट्यूसडे वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एंड दूसरा जो हम लोग रिव्यू करेंगे वो है कोबो की ये पावर लिफ्टिंग पैड। तो इन दोनों ही चीज़ों का मैं रिव्यू करूंगा एंड आप लोग बताऊंगा कि क्या आप लोग को ये जो बेल्ट है, जो रिस्ट स्ट्रैप्स हैं, रिस्ट सपोर्ट है, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे वीडियो को उस पर। सो देखिए, बेल्ट के बारे में अगर मैं आप लोग बताऊँ तो ये जो कोबो की बेल्ट है ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी, जो कि 10 mm की इसकी थिकनेस थी एंड 4 inch ये साइड वाइड थे। तो उस हिसाब से मैंने इसको बाय किया था एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगे थे एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। तो उनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम किस तरीके से करती है। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ मैं आप लोग को। जैसे कि ये जो बेल्ट है, सो अगर आप लोग इसको ऐसे दबाने की कोशिश करोगे तो ये प्रेस नहीं होगी, लेकिन जो थोड़ी सी इससे लो क्वालिटी वाली थी वो बीच से दब जा रही थी, मुड़ जा रही थी। तो प्रॉब्लम क्या होगी जब आप लोग लिफ्ट करोगे तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप लोग इसकी थिकनेस देखो, जैसे मैंने आप लोग बताया कि 10 mm थिक थी एंड 4 inch वाइड थी, तो वही वाली बेल्ट है, रेड कलर में ली है। इसके दो कलर आते हैं, रेड एंड ब्लैक। ये इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो, चलो निकली है तो आप लोग ऐसे दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा शायद, ये इसका मॉडल नंबर है। तो इस बेल्ट के बारे में क्या खास बातें हैं, क्या चीज़ अच्छी, क्या चीज़ ख़राब है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर मुझे ख़राबी अभी तक तो कोई नहीं दिखी। खैर, एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी वो ये कि इसके जो ग्लू था वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिचेस इसके लगे हुए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ चाहिए। तो देखिए, जैसे ये है ना, ये हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर नीचे, ये बिल्कुल चिपका हुआ था कुछ इस प्रकार से, जिससे यहाँ पर चिपका हुआ वैसे। तो ये तो हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी हैवी ड्यूटी स्टिच किए गए इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये होगी। इसके जो होल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो होल्स के इधर उधर जो फटने की समस्या हो जाती है काफ़ी सारे बेल्ट्स में, वो भी इसमें नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि इसके जो जितने भी यहाँ पे जो नट्स या टाइट्स किए गए हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के हैं, तो उसमें भी जंग लगने की कोई समस्या नहीं है। एंड ये जो इसका बक्कल है ये भी स्टेनलेस स्टील का है, तो इसमें भी कोई जंग लगने की समस्या नहीं है। बेल्ट सपोर्ट आप लोगों को प्रॉपर देती है, बहुत ही ज़बरदस्त बेल्ट है, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। एंड अगर आप लोग सीरियस लिफ्टिंग करते हो तो आप लोग के लिए बेल्ट वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। हाँ, इससे और भी काफ़ी सारी अच्छी बेल्ट आती हैं, लेकिन अगर आप लोग शुरुआत करो अपने लिफ्टिंग करियर की, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप लोग इसकी तरफ जाएं, ये आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो ये इसका तो रिव्यू हो गया कोबो वाले का, बेल्ट का। बेल्ट से मुझे कोई खास शिकायत है भैया इससे, जो कोबो के पावर लिफ्टिंग बैंड्स या रिस्ट सपोर्ट आते हैं उनके बारे में। अब इससे शिकायत क्या, सबसे पहली चीज़ तो जो इसका वेलक्रो है, जब मैंने इसको खोला था नया नया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इसका जो ये जो पार्ट है जो पकने वाला, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब ख़राब हो रहा है इतनी जल्दी। अगर आप लोग दोनों में देखोगे तो कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि क्रिएट कर रहा है। एंड बड़ा ये पतला सा है, तो इसको थोड़ा सा अगर और हैवी ड्यूटी देते तो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जितना भी जो फोकस है ना अपना, ये जो इसकी रबड़ है इसी पे दे दिया है। इसके अलावा इन्होंने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम इनको और करना चाहिए, इनकी जो ये वेलक्रो वाली दूसरी साइड है इस पर ये चिपकता है वो, क्योंकि जो आप लोग अगर देखो यहाँ से, तो ये मेरा पहले दिन ही यहाँ से इसकी स्टिचिंग फट गई थी एंड इसको फिर मैंने घर पर सिलवाया था, आप लोग देख सकते हो दूसरे कलर का धागा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बेकार लग रही है। एक तो इतना मतलब मुश्किल से खरीदो, फिर उसके बाद पहले दिन ये फट जाता है। तो अगर आप लोग इसका भी मॉडल नंबर देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एंड बाकी तो मुझे इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बाकी सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन दो प्रॉब्लम है। ये जो इसकी स्टिचिंग है ये यहाँ से फट गई, दूसरे वाले की भी हल्की सी फट गई थी, वो अभी तक चल रहा है। तो इसको मैंने घर से सिलवाया लेकिन फिर तेज़ की फट गई। तो अब घर पे यार इतने मजबूत धागे कहाँ रहते हैं, इन लोगों को प्रॉपरली सिल के देना चाहिए था। एंड ये जो इसका ये पार्ट है चिपकने वाला, वेलक्रो वाला, ये मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। इसको थोड़ा सा और अगर हैवी ड्यूटी होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सो अच्छा, एक और किसी ने कॉमेंट किया था कि ये जो बैंड है कोबो वाले एंड निविया के एक बैंड आते हैं, उसको दोनों कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए, मैंने निविया वाले बैंड मेरे जिम में रखे हुए हैं, उसकी मैं फ़ोटोज डाल दूंगा इसके साथ ही में। दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है, ये हल्के से बिल्कुल मतलब इंच से ये थोड़े से बड़े होंगे उससे,
एंड दूसरी चीज ये जो इसका रबड़ है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है बस, और उसके अलावा कोई भी अंतर नहीं। तो अगर आप लोग उसकी तरफ जाना चाहो निविया वाले की तरफ, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो, आप लोग निराश नहीं होगे। उसका भी वेलक्रो वेलक्रो सब बिल्कुल इसी तरीके का है, बस ये थोड़ा सा हार्ड है मैंने आप लोग बताया, एंड वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। सो ये था रिव्यू दोनों ही चीजों का, कोवो की बेल्ट एंड कोवो के जो रिस्ट सपोर्ट आते हैं उनका। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप लोग और भी किसी जो इक्विपमेंट्स है उसका अगर चाहते हो तो मुझे बताइए, जिम में अगर होगा तो मैं ज़रूर उसे रिव्यू बना दूंगा यूज़ करके। बाकी तो आप लोग को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद, बाय।